गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, न्यू लेसन क्लास 8। द नेम ऑफ दिस लेसन अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज क्या है? एक लेसन है, सॉरी एक यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पे? अमेरिका, यूएसए में। तो इसके बारे में पढ़ने हम जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंट एबल्ड। ये दो ऐसे असाधारण लोगों की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा काबिल थे। सो रीड हाउ दोज टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हीलचेयर एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिफरेंट एबल्ड इन फायडस कंगाज वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे दो लोग अपने विचारों को एक दूसरे को देते हैं, जो कि अपनी जीवन किस पे बिताते हैं, व्हील चेयर पर, एंड ऑन हाउ दे सो कॉल्ड मीन्स जिन्हें कहा जाता हो नॉर्मल पीपल, हम लोग जैसे जो नॉर्मल पीपल है, रिएक्ट में यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं डिफरेंटली एबल्ड फायडस कंगास के वर्ल्ड में। यूज़ कार्डोवा स्मार्ट क्लास, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अब जो भी स्मार्ट क्लास है उसी से हम देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग एक रिनाउंस्ड फिजिसिस्ट थे। फिजिस्ट का मतलब होता है जो आपको, देखिए हिंदी में तीन तरह के विज्ञान होते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो जो ये फिजिक्स जो पढ़ाते हैं उनको भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग अपने समय के एक बहुत रिनाउंस्ड साइंटिस्ट थे। ही सफर्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस एंड कन्फाइंड हिम टू अ व्हील चेयर एंड अलाउड हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पोक फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। देखिए अब यहाँ देखिए, वो एक तरह के पैरालिसिस से वो थे, मतलब उनको ये बीमारी थी, एक तरह के लकवा ग्रस्त वो व्यक्ति थे, दैट कन्फाइंड हिम, जो कि उन्हें योग्य बनाता था या अयोग्य बनाता था, केवल वो व्हील चेयर पर बैठते थे। एंड अलाउड हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। उनके चेहरे की एक भंवर हिल सकती थी और उंगलियों, दाएं हाथ की उंगलियों के कुछ, दाएं हाथ की जो हाथ थे उसकी कुछ उंगलियां हिल पाती थी और एक तरफ की भौं हिल पाती थी, आईब्रोज जिसको बोलते हैं। तो वो एक बैठते थे और उसी पे सामने एक कंप्यूटर था जो उनकी हल्की सी थरथराहट को महसूस कर लेता था और जो भी वो बोलना चाहते थे उनको वर्ड में कन्वर्ट करके वो बोल देता था। यानी कि वो सुन सब समझते थे, उनका दिमाग एकदम सही काम कर रहा था, बट उनका शरीर उनका साथ छोड़ चुका था। आइडस कंगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहती थी। कंगा वॉज बॉर्न इन ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक, आगे देखिए, दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजली वेन ही वॉज चाइल्ड, लाइक हॉकिंग कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। जैसे हॉकिंग व्हील चेयर पर रहते थे, वो कंगा भी व्हील चेयर पर ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब देखिए यहाँ दिया गया है स्टीफन हॉकिंग, ये जो व्यक्ति दिए गए हैं, ये हैं हमारे स्टीफन हॉकिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका लेसन की शुरुआत होती है सही से। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफर का मतलब होता है एक पर्याय होना, एक आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कैम्ब्रिज वॉज एंड माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। तो गंगा कहती हैं कि जब वो इंग्लैंड गई तो वो मैं उनके लिए बड़ा अजीब था, क्योंकि जब उन्होंने उसको छोड़ा था तब वो अलग था और जब ये दोबारा आई तो बिल्कुल अलग था। ये यूनिवर्सिटी क्यों थी? क्योंकि तब ये किससे मिली थी? स्टीफन हॉकिंग से। इट वाज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। ये एक वॉकिंग टूर था, यानी कि ऐसे ही चलते चलते पूरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखने का टूर था। जो गाइड मुझे दिखा रहा था उसने एक प्रतिक्रिया दी स्टीफन हॉकिंग के लिए। क्या प्रतिक्रिया थी वो देखिए। पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजक न्यूटन हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा ये साहित्यिक लैंग्वेज में दिया है तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। पुअर मैन हु इज क्वाइट क्वाइट एबल्ड, जो कि कैसे थे, क्वाइट डिसेबल्ड थे, अब बिल्कुल कोई काम करने के योग्य नहीं थे। दो यद्यपि ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी टू आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन के वो योग्य उत्तराधिकारी थे जो जिनकी चेयर अभी भी यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है। आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड
quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed dystrophy astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. तो अब देखिए क्या होता है कि मैंने शुरुआत की, आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट द मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड दिस ट्रॉफी एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये जो हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट थे ये किसके किसके राइटर थे, एक बुक है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय की संक्षिप्त यात्रा, इसमें समय कैसे व्यवहार करता है इसके बारे में बताया गया है, और ये अब तक की बिके सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, बहुत ज़्यादा बिकी ये किताब, तो इसके राइटर हैं, यहाँ पर रहते हैं. When the walking tour was done, जब हमारा walking tour done हो गया, ख़त्म हो गया, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach the outside. Phoned Stephen Hawking's house. मैं जल्दी से गई और मैंने एक फ़ोन घुमाया जो स्टीफन हॉकिंग के हाउस में बज रहा था. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. जब उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया तो मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, मैंने सीधे उससे ये कहा कि भाई देखो मैं इंडिया से आया हूँ, वह इंडिया से आई है, किस पे आई है, व्हील चेयर पर आई है, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने सोचा होगा कि मैं ये सब झूठ बोल रही हूँ. टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, हाफ एन आवर ही सेड. From 3:30 to 4, उसने कहा I had to see Professor Hawking even 10 minutes would do. मैंने उससे कहा कि मुझे 10 मिनट के लिए चाहे तो मिलने दीजिए प्रोफेसर से. उसने कहा कि ठीक है आपको आधे घंटे का समय देते हैं हम, 3:30 to 4. Do you think the narrator would be able to meet Professor Hawking? अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ बनता है कि क्या स्टीफन हॉकिंग से मिलने के योग्य हुई. Suddenly I felt weak all over. अचानक ही मुझे कमजोरी सी महसूस होने लगी. Growing up disabled. You get up with the people asking you to be brave. लोग ऐसे होते हैं कि बार बार आपको आपकी कमजोरी याद दिलाते हैं और उन लोगों से पार पाना बड़ा मुश्किल होता है. As if you have courage, account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. समस्या ये होती है कि जब आप किसी तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं तो आपको तब तक एनर्जी नहीं मिलती जब तक कि आप अपने जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़े सक्सेसफुल पोस्ट पे नहीं देखते. यू स्ट्रॉन्गर सिंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज, देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड. तो जब भी ये लगता है कि अब आप कमज़ोर से हो गए, अरे अब ये नेक्स्ट आया, तब आपको केवल वही चीज़ दिखाई देती है कि कैसे करके आप अपने आप को मजबूत बना सकते. आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं चूंकि बहादुर नहीं थी. आई हैव नॉट बीन ब्रेव, सेड द डिसएम्बॉडीफाइड कंप्यूटर वॉइस. द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव नो चॉइस. शायद अगले हफ्ते ये जो है अगले दिन बैठी हुई थी. श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम. देखिए अब इस लाइन को समझ लीजिए. श्योरली आई वॉन्ट, जब उन्होंने, मैं गई उनके पास, मैंने उनसे कहा आई हैव नॉट बीन ब्रेव्ड, सेड इज डिस एम्बॉडीफाइड कंप्यूटर वॉइस. द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैड नो चॉइस. मैंने जब उनसे कहा कि आप इस तरह से कैसे काम कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे आंसर दिया कि भाई इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ऐसे ही काम कर सकता हूँ. श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ दिस इंटीग्रेटेड बॉडी वॉज अ चॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट. मैं कहना चाहती थी कि ये कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है आपकी, बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रही बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम. मुझे हमेशा ये खराब लगता था कि मैं आगे इससे ना बढ़ूँ. देखिए यहाँ तक मैं आज पढ़ा रहा हूँ एज अ एक्सपेरिमेंट. अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कल से हम अपना लाइव क्लास में ही इसको पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.